हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तरह के डैमेज वॉल को किस तरह से रिपेयर करना है और उसके बाद की क्या क्या प्रोसेस होगी और लास्ट में कुछ इस तरह का फाइनल किस तरह से ला सकते हैं। तो वीडियो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जितने भी इस तरह के लूज पार्टिकल है, यानी कि आप देख रहे हो ना पपड़ी है, उसे पुट्टी ब्लेड की मदद से अच्छे से रिमूव करना है, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह के। इसके लिए आप वायर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो या फिर ग्राइंडर मशीन भी यूज़ कर सकते हो, पर वो शोर शराबा ज़्यादा करेगा और धूल मिट्टी भी ज़्यादा उड़ाएगा। इसकी वजह से मैंने इस तरह का पुट्टी ब्लेड लिया है और इससे ही अच्छे से सब क्लीन किया है। आप चाहो तो मैंने बताया वैसे वायर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, उसमें उतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। तो चलो सबसे पहले इसे हम सब अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पपड़ी निकल रही है, तो हो सके उतनी पपड़ी हमें अच्छे से निकाल देनी है। कहीं से भी छूट गई ना थोड़ी सी पपड़ी तो फिर से वहाँ पे डैम्प आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमें अच्छे से सबको रिमूव कर लेना है। इसके बाद हमें सैंडिंग वर्क करना होता है। सैंडिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ 150 नंबर का इस तरह का सैंडिंग पेपर यूज़ करना है। आप चाहो तो 80 नंबर का भी कर सकते हो या फिर वायर ब्रश का यूज़ करना चाहो तो उसे भी अच्छे से यूज़ करके क्लीन कर सकते हो। तो चलो अभी सबसे पहले हम ये पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। जैसे ही सैंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाए तो साफ कपड़ा लेना है और पूरी वॉल को अच्छे से साफ कर देना है, ताकि डस्ट वगैरह हो वो कपड़े में निकल जाए, आगे हम जो केमिकल लगाएंगे उसमें आए नहीं, कपड़ा अच्छे से क्लीन कर दे पूरी वॉल को। अब केमिकल कौन सा लगाने वाला है तो वो मैं आपको डब्बा दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एशियन पेंट का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक जो वाटर प्रूफिंग है वो यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों इसके अंदर कुछ खासियत वगैरह होती है, जैसे कि ये प्री पुट्टी केमिकल है, ये बात आपको ध्यान रखना। एक तो मेन जो प्लास्टर वॉल है ना उसके ऊपर लगाने होते हैं, पुट्टी के ऊपर आप नहीं लगा सकते, तो ये बात ध्यान में रखना। और इसे लगाने के बाद ये एंटी फंगल होता है, यानी कि फंगल वगैरह आने नहीं देता है, तो अच्छा रहता है। अब कैसे लगाना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसे हम डायरेक्ट ब्रश की मदद से लगाना है और इसके अंदर पानी भी ऐड नहीं करना है, जैसा कंपनी का रेडी मटेरियल आता है वैसे ही लगाना है। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है और फिर लगाना स्टार्ट करना है। और इसे दो कोट में लगाना होता है, एक कोट हमें इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो दूसरा कोट हमें वर्टिकल लगाना होता है, और दोनों कोट के बीच में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप देना है और फिर दूसरा कोट लगाना है, और 4 से 6 घंटे इसे अच्छे से सूखने देना है। तो चलो सबसे पहले हम ये पूरा केमिकल है उसे पूरी वॉल पर अच्छे से लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसे हमें 4 से 6 घंटे अच्छे से सूखने देना है और उसके बाद ही इसके ऊपर आगे का काम स्टार्ट करना है। अब आगे क्या करना है तो उसके लिए हम टेक्सचर कोट लगाने वाला है, जो एक्सटीरियर वॉल पे लगता है ना वही वाला, क्योंकि ये एक तो वो एंटी फंगल होता है और उसके बाद वो टिकाऊ रहता है, यानी कि जो वाटर प्रूफिंग के रजिस्टेंट वाला पार्टिकल होते हैं ना सब, जैसे कि आप समझो ना
कि वो वेदर प्रूफ मटेरियल होता है, तो उसके वजह से अगर बाई चांस फिर से ऐसा कुछ हुआ भी तो वो संभाल लेगा, बाहर एक्सट्रैक्ट हमें देखने नहीं देगा, बाहर आने नहीं देगा। तो चलो इसे हम लगाते हैं। अब लगाना किस तरह से, उसके लिए आप देखो यहाँ पर मैजिक कैसे लगा रहा हूँ। एक ट्रू ऑल लिया है, पुट्टी ब्लेड लिया है, उसकी मदद से पहले तो मटेरियल को अच्छे से चढ़ा लेना है, जितने भी मोटा लेयर आप लगा सको उस तरह से चढ़ा लेना है। अब चढ़ाना मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि आप डायरेक्ट इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, डिजाइन वगैरह नहीं बना सकते, पहले मटेरियल को चढ़ाना होता है, फिर उसे निकालना होता है एक्स्ट्रा, और उसके बाद डिजाइन बनाना होता है। तो जैसे जैसे मैं आगे बनाता रहूँगा आपको ये भी सिखाता रहूँगा, और इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि हम टेक्सचर पेंट होता है उसे हम कैसे लगा सकते हैं, तो वो भी देखना। अब देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, अब एक्स्ट्रा मटेरियल मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। इस तरह से पुट्टी का ब्लेड लेना है और निकालना है। अब निकालना कितना है, पूरा मटेरियल तो हमें नहीं निकालना है ना, तो यहाँ पर जो उसके कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, वो कंकड़ दिखने चाहिए, उतना मटेरियल हमें निकाल देना है, और कहीं पर ऐसा लगे कि ज़्यादा निकल लिया है तो वहाँ से फिर से फिलअप कर देना है, क्योंकि जो कंकड़ है ना उसकी वजह से इसकी जो डिज़ाइन होती है वो बनेगी। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी ना लाइन लाइन वाली डिजाइन, तो वो डिजाइन इससे ही बनेगी। अब इस तरह का इतना हमें दिखे, कंकड़ जैसा दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक निकाल देना है। अब उसके बाद इस तरह का प्लास्टिक का ट्रोवल आता है, प्लास्टिक या फाइबर का ट्रोवल आता है, तो उसकी मदद से इस तरह से डिजाइन बनाना स्टार्ट करना है। एकदम हल्के हाथों से जिस तरह के आपको डिजाइन बनानी है वैसे खींचोगे तो डिजाइन बनाना स्टार्ट होगा। तो चलो इसे हम आपको डिटेल में दिखाते हैं किस तरह से ये डिजाइन वगैरह बनती है। अभी लग जाए तो दोस्तों उसे अच्छे से 12 से 16 घंटे सूखने देना है, और फिर ही आगे का काम जो करना है वो हमें करना है। उसके बाद जब स्टार्ट हो जाए यानी कि सूख जाए, तो उसके बाद हमें कलर को मिक्स कर देना है। यहाँ पे ऊपर जो हमने सेम वॉल था ना वही कलर लिया है, क्योंकि नीचे डिजाइन हुआ और ऊपर का जो कलर है वो दोनों मैच हो जाए। हमने पूरी वॉल को पेंट नहीं किया है, जितने पार्ट पर हमने ये किया है ना वहीं पर पेंट किया है, तो ये पेंट हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद सबसे पहले तो हमें जो सूख जाए उसके बाद डस्ट होते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत डस्ट हो चुके होते हैं, या फिर उसे सैंडिंग भी करना पड़ता है, तो उसे हमने पुट्टी का जो ब्लेड होता है ना उसको घुमा के सैंडिंग जैसा कर लिया, यानी कि जितना एक्स्ट्रा पार्टिकल वो निकल जाए, और उसके बाद ब्रश से हमने साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो हमने पेंट बनाया था वो पेंट यहाँ पर लेके आए, और उसे एक का ट्रे ली हमने पेंट की, उसके अंदर डाल दिया वो। और ये करने के लिए हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, पर ब्रश में टाइम लगेगा, इसलिए हमने एक्सटीरियर जो रोलर होता है ना कॉटन का वो यूज़ किया है। अभी जो यूज़ किया है वो बर्जर कंपनी का हमने यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो उसे हैंडल वगैरह हम पहले लगा लेते हैं और फिर आगे का पेंट करते हैं। पेंट किस तरह से करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये रोलर को हमें पेंट में अच्छे से डिप कर लेना है, पूरा अच्छे से डिप करना है, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखो ये हो जाए, उसके बाद हमने इसे अच्छे से इस तरह से वॉल पे लगाना स्टार्ट कर देना है, जैसे कि ऊपर से नीचे आप करो या फिर नीचे से आपकी मर्जी हो वैसे रोलर को घुमाना है। और ऊपर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक टैप जैसा लगा के रखा है, वो इसीलिए लगा के रखा है कि अगर हमने बाय चांस रोलर घुमाते जल्दी जल्दी में बाहर चले जाए तो वो टैप पे रहे पेंट हमारी वॉल को डैमेज ना करे, वहाँ पे बिगड़े नहीं, इसलिए। तो चलो अभी हम ये पूरा पेंट लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमने पूरी प्रोसेस की है, पहले हमने
जो लूज पार्टिकल थे उसे निकल दिया, उसके बाद केमिकल लगाया और उसके बाद ही हमने टेक्सचर लगाया और लास्ट में पेंट भी लगा दिया। तो ये पूरी प्रोसेस आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और भी वीडियो आपको ऐसे देखनी है तो एक बार हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।